समय हॉस्पिटल में दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हिस्टेक्टोमी, रसौली, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट पित्त की थैली, हर्निया जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज होते हैं दूरबीन विधि द्वारा। 24 घंटे एक्सरे की सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से लैस समय हॉस्पिटल, गिरिराज पेट्रोल पंप के पास, रामबाग, आगरा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय कल्चर को, भारतीय संस्कृति को कैसे संजोकर रखा जाए। निरंतर युवाओं को बताए जाने का कार्य हो रहा है। निरंतर एक भर्ती अभियान बीते दिनों चला था, जिसमें संस्कारों को कैसे जिया जाए, तमाम तरह की भारतीय कल्चर, जो कहीं ना कहीं आज की डेट में युवाओं की हम बात करें तो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जिस तरीके से रुझान युवाओं का हो रहा है, उन युवाओं को अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति रुझान करने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निरंतर कोशिश कर रहा है। मेरे साथ में संपर्क प्रमुख महानगर आगरा धर्मेंद्र अवस्थी मौजूद हैं। जानेंगे 12 तारीख को एक कार्यक्रम है भर्ती अभियान का, जो शायद स्कूल, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में चलाया जाएगा, किस तरह का अभियान होगा। आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जो 12 तारीख का कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम होगा और जो एक संस्कृति को कहीं ना कहीं, जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति की बात करें, जो युवाओं का रुझान है, तो किस तरह का समझाने का कार्य हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का निरंतर ये प्रयास है कि अपनी जो संस्कृति है उसकी तरफ जो रुझान बना रहे, खासकर युवाओं का, क्योंकि आज का जो युवा है उसको अगर अच्छी राह और अच्छी अगर दिशा मिलेगी तो वो उस तरफ मूव होना चाहिए। और कहीं ना कहीं भारत हमारा एक ऐसा देश है जो कि पूरे संसार में अपनी संस्कृति की वजह से जाना जाता है। हमारा निरंतर जो प्रयास है, उस प्रयास में यह है कि अपनी संस्कृति को जागृत बनाए रखना, अपनी राष्ट्र सेवा, अपना हित, राष्ट्र की सेवा, अपने धर्म की सेवा, अपने धर्म के हित के बारे में, इन सारी चीज़ों के हित के सोचते हुए ये संगठन कार्य करता है जी। बजरंग दल का अभी 19 नवंबर से और 19 दिसंबर तक बजरंग दल का भर्ती अभियान लगाया गया था जी, जिसमें बहुत अच्छा रुझान मिला और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हमसे जुड़े, कार्यकर्ता बने बजरंग दल के। तो एक रुझान है और ये रुझान जो बना है, तो ये जब कैंप लगे हैं तो लोगों का मन था कि हम इस संस्कृति के झुकाव बना हुआ है संगठन का, इसमें कहीं ना कहीं एक प्रेरित करने का एक माध्यम बना है, जो कि अन्य संस्थाएं जो भी रहती हैं, ये संस्था नहीं है, ये जी, जी। धर्म और राष्ट्र के लिए एक सेवा का भाव रहता है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जी। 12 तारीख को किस तरह का कार्यक्रम बजरंग दल का है, पूरा प्रोग्राम जो बना रखा है, किस तरह का होगा? 12 तारीख को सुबह 8 बजे से और दोपहर तक जितने भी आगरा जिले में डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज हैं, उसमें जो युवा बच्चे पढ़ते हैं उनको संगठित कर जी और उनका बजरंग दल में भर्ती अभियान रखा जाता है जी। इसमें जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको अपने जो अपनी संस्कृति के बारे में बताया जाता है, उससे अलग हटकर इसमें जब वो बजरंग दल के कार्यकर्ता बनेंगे, उनकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन जी। 12 तारीख को सुबह का ये कार्यक्रम है, उसमें भर्ती होने के बाद उनका एक ट्रेनिंग सेंटर हम रख रहे हैं जी, जी, जी। तो ट्रेनिंग सेंटर में आकर वो ये देखेंगे कि बजरंग दल में किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है, क्या क्या चीजें बताई जाती हैं जो कि हमारे धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए हितकारी होंगी जी। ये कहीं ना कहीं बात की जाए व्यवस्थाओं की जी, पूरी जिला बहुत बड़ा है जी, किस तरीके से आप कोशिश करते हैं, किस तरीके से टीम लगी हुई है आपकी, कि जो एक दिवसीय आपका कार्यक्रम रहेगा भर्ती अभियान का, तो उसको मैनेज करने का किस तरीके से करेंगे उसको? हमारे प्रांत के संगठन मंत्री मनोज जी जी, उनका जो एक कार्यक्रम को विस्तार
किस तरीके से करना है और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं संगठन के वो पदाधिकारी पूरे उसमें कार्यरत रहेंगे। उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि हर क्षेत्र में नगर वाइज नगर जो नगर बल्केश्वर नगर दयाल नगर सिकंदरा ये इस तरह से नगर उन्होंने बनाकर और उसमें पदाधिकारी उस एक टीम बनाकर सभी कॉलेजों के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे संपर्क करके सुबह का टाइम नियत कर और इस अभियान को चलाएंगे। कितने युवाओं को जोड़ने का एक दिन में एक टारगेट रखा है? एक एक कॉलेज में जैसे किसी कॉलेज में 2000 बच्चे हैं जी, तो हमारा मानना ये है कि 2000 बच्चों में से अगर 1000 बच्चे या 800 बच्चे भी अगर जोड़ते हैं तो ये एक अच्छा रुझान रहेगा। ये एक हमारा एक संकल्प है और वो संकल्प कहाँ तक पहुँचता है कितना हमारे प्रयास सफल होते हैं ये उस दिन मालूम पड़ेगा। शुक्रिया अर्थ न्यूज से चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप थे मेरे साथ में धर्मेंद्र अवस्थी जिन्होंने बताया कि जो अपना कल्चर है अपनी सभ्यता है अपनी संस्कृति है उसको बचाने के लिए निरंतर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कोशिश कर रहा है, युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है। उम्मीद यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़ें जिससे कि कहीं ना कहीं जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जो युवाओं का झुकाव है उस झुकाव से बचा जा सके और अपने सनातन संस्कृति को लोग अपनाएं। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। समाज सेवा में समर्पित विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा आगरा के द्वारा आगरा की पावन धरा पर विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान दिनांक 11 से 17 जनवरी 2018 समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान देहतोरा की बचत मैदान C2 चर्चित चौराहा देहतोरा शास्त्रीपुरम आगरा। विशेष प्रतिदिन कथा के बाद विशाल भंडारे का भव्य आयोजन एवं कथा के साथ साथ नित्य सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जाएगा जैसे वृक्षारोपण हेलमेट वितरण गरीब महिलाओं को अनाज एवं कपड़ों का वितरण एवं स्कूली बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण गायों की रक्षा हेतु एवं पर्यावरण रक्षा हेतु समाज को जागृत करना इत्यादि। श्री मुरारी लाल गोयल मैनेजिंग ट्रस्टी विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार।